मन सीप का तू मोती। सलाम अलैकुम भाभी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। जी जाहिर है जाहिर है। अता भाई होंगे, मैं उनसे जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। कौन सी बात? मेरे बेटे की रिश्ते की बात? तो इसका मतलब है कि अता ने आपसे जिक्र किया है। आपको क्या लगा? मैं भी बड़े दिनों से सोच रही थी, क्या सोचकर आपने अपनी पोती का नाम मेरे बेटे के साथ जोड़ा? कोई जोड़ है आपका और हमारा? चले हम अपने आप को अलग कर लेते, पर बच्चों को तो देखें, उनका कोई मेल है? कहां मेरा पढ़ा लिखा सोशल बेटा, कहां आपकी गुर्बत की गोद में पली डरी सहनी, कम तालीम याफ्ता, सात पर्दों में छुपी हुई बेवकूफ पोती। आखिर आपने मेरे बेटे के साथ उसका नाम जोड़ा भी तो कैसे? ब्राय मेहरबानी इस बात को यही खत्म कर दे, वरना खानदान में हंसी उड़ेगी आपकी। यहाँ शादी पे सबने देखा है आपकी बच्चियों और उस पे आपके तमाशे को, पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं आप। अगर बेटियों को बयाना ही था तो जमाने के साथ चलना तो सिखाते। खुदा सुमैया, सुमैया। बोलो। दुर्योधन से मिली थी क्या? कैसी है वो? ठीक है, वो कुछ दिन बाहर रह के आई है ना, तो उस तब्दीली की वजह से अच्छा असर पड़ा है उस पे। बिलाल को याद करती है? नहीं, इस बारे में कोई खास बात ही नहीं हुई हमारी, लेकिन जो तुमने उसे मशवरा दिया है ना, वो बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि वो बिलाल के साथ ना जाए, वरना वो जज्बात में आकर जो कदम उठाती उस पे बाद में खूब मलामत करती अपने आप। अच्छा, वो तुमसे मिलने कब आ रही है? मैं उसे मिलना चाहता हूँ। पता नहीं, इस बारे में बात ही नहीं हुई कहीं। क्या वो मदिया की बात तय होने की मुबारकबाद देने नहीं आएगी? वो भूल गई, मैं याद ही नहीं रहा मुझे। क्या मतलब तुम भूल गई? तुम अपनी ही बहन की शादी की बात तय होने की बात बताना भी भूल गई? फिर तुम कहती हो तुम बिल्कुल ठीक हो, क्या मसला है? कहाँ उलझी उलझी रहती हो? तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? इसीलिए ना कि तुम्हें अदन से मिलवाना है मैंने, करा दूंगी तुम्हारी मुलाकात, अब खुश हो? अब तंग नहीं करो मुझे, बार बार आवाजें नहीं दो भाई। वाह वाह, ये मुझे मार देना खूबसूरत मेहरूनी मुरूज़। हजूरी, हम खाना नहीं खाएंगे अभी, आप ये मत कहिएगा हमें, अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा हमारा खाना खाने को। मैं तो हजूर ये कहने के लिए आई थी कि आपने मास्टर साहब को पैगाम भिजवाया था ना, वो आ गए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बुलाऊं उन्हें। हाँ हाँ, बुलाइए मास्टर साहब को, यही बुला लीजिए। जी जी हाँ, मास्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नवाब। वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ रखिए मास्टर साहब, बैठिए। नवाब साहब, आपने मुझे बुलाया था? हाँ मास्टर साहब, आपको एक बहुत ज़रूरी काम के लिए बुलवाया है, बस यूँ समझिए कि वो काम आपके मदद के बगैर हो नहीं सकता। आप हुक्म कीजिए नवाब साहब, मेरे लायक जो भी खिदमत होगी मैं ज़रूर करूँगा। देखिए मास्टर साहब, एक वो वक्त था जब हम सोचते थे
कि बच्चियों को तालीम इतनी ज़्यादा दिलवानी नहीं चाहिए, एक हद तक ठीक है, लेकिन अब हमारा ख्याल है कि आने वाले वक्त के तकाज़ों के मुताबिक पढ़ाई की ज़रूरत है, तालीम की बहुत अशद ज़रूरत है बच्चियों को। अब हम चाहते हैं कि अपनी पोती को पढ़ने की इजाज़त दे दें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप अपने वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर उसको पढ़ाने आ सकते हैं। देखिए मास्टर साहब, हम नहीं चाहते कि वो बेशक तालीम के लिए घर से बाहर निकले। क्यों नहीं नवाब साहब, मैं बच्ची की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस आप हुक्म कीजिए कि आना कब से है। अरे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, बल्कि आप दुर्योधन से मिल लीजिए। हजूरी, हजूरी। जी सरकार। आइए मास्टर साहब को बैठक में बिठाकर दुर्योधन से मिलवा दीजिए। जी जी आइए। ये किसका फोन बज रहा है? हजूरे भाई कोई है? हेलो ज़ेबुन्निसा, वकास बात कर रहा हूं। हेलो ज़ेबुन्निसा, हजूरे और भाई कोई है इस घर में? जी जेब कहाँ है? जी वो जी अप्पा मियां। आप जाइए हजूरी, ये हमारे घर का मसला है। जी सरकार। हमें ये दिन भी देखना था, ये क्या हो रहा है? ये देखिए वो बेहुदा शख्स तुम्हें कॉल कर रहा था, उस नामुराद की ये जुर्रत, और उसका नाम और उसका फोन नंबर आपके फोन में, इसका कोई जवाब है आपके पास? जवाब दीजिए। वो अप्पा मियां, वो फाखर आपा फोन कर रही थी, आरजू की तबीयत ठीक? बिल्कुल नहीं, हम इस किस्म का कोई बहाना आप सुनेंगे जिसमें उस शख्स का नाम आता हो, नहीं सुनना चाहते उस शख्स का नाम हम इस घर में। आप शायद जानती नहीं, एक साजिश रचाई जा रही है हमारे खानदान के खिलाफ, एक घनौनी साजिश, और अब उस शख्स ने, उस बेगैरत शख्स ने अपनी बेटी को भी इस्तेमाल करना शुरू किया है साजिश में। पता नहीं आपको कब समझ में आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। पहचाना मुझे? हाँ पहचान लिया। तो फिर ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या मतलब है? लगता है मैंने आपको गलत वक्त पर फोन कर लिया। शुक्र है आपको ये बात समझ में आ गई। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे नौरीन, वो मेरे नीले कलर के सूट का दुपट्टा नहीं मिल रहा है, जरा अपनी अलमारी में चेक करो, उसमें तो नहीं पड़ा हुआ। अरे क्या हो गया है? ये बिलाल समझता क्या है खुद को? क्यों क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? सीधे मुंह बात नहीं करता, मसरूफियत का बहाना बना देता है, पता नहीं समझता क्या है ये खुद को। अरे नहीं नहीं, वो थोड़ा शर्मीला है ना, रिजर्व रहता है, तुम देख लेना आस्ते आस्ते बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं अलमारी में दुपट्टा देखती हूँ। हाँ इस लड़के ने भी बहुत परेशान कर दिया है, ऊपर से ये
फूफो, आप यहां बैठी हैं और हम आपको सारे घर में ढूंढ रहे थे। फूफो, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, बहलाओ मत। हम बहला नहीं रहे, उम्मीद बांध रहे हैं। ऐसी उम्मीद मत बांधो जो मेरा गला घोंट दे। आप नाउमीदी वाली बातें मत करें फूफो। और मास्टर साहब कहते हैं नाउमीदी कुफर है। आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। सालों पहले भी मुझ पर बदनामी का इल्जाम लगा और वो भी बेवजह। अपनी सफाई के लिए एक मौका तक नहीं दिया। तब से लेकर आज तक सभी इल्जाम, सबके सब इल्जाम ये तन्हाइयां, ये वीरानियां सब अपने रब की रजा समझकर पीती रही और यूं ही जीती रही। यहां कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं ठीक हो सकता। पुपु, आप अच्छी हैं, सबसे अच्छी। आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। आप मत रोए, खुदा के लिए मत रोए। उसके सामने मैं तुम्हारी हिमायत में ही बोलती हूं, लेकिन दिल में मैं बहुत शर्मिंदा होती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं गलत वो नहीं तुम हो। अब क्या कसूर कर दिया मैंने? अच्छा, ये भी मैं ही तुम्हें बताऊं, तुम तो जैसे बहुत भोले हो ना। जब भी वो तुम्हें कॉल करती है तुम कॉल क्यों नहीं लेते हो? मसरूफियत का बहाना बनाते हो, चाहते क्या हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खुश रहो बेटा। खुश रहो? आपके इस बेटे की जिंदगी को आबाद करने के चक्कर में मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। खुदा ना करे शाइस्ता, ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते बेटा। मैं गलत नहीं कह रही हूँ अब्बा। अरे क्या हो गया है बेटा, कुछ मुझे भी तो बता दो। अब्बा, नौरीन जब भी इसे कॉल करती है ना, ये मसरूफियात का बहाना बना के उससे बात तक नहीं करता है। तुम भी अपनी नंद को समझाओ ना, शरीफ लड़कियों के ये लक्षण नहीं होते। अभी तो मंगनी हुई है सिर्फ, ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं कि बार बार लड़के को फोन करे। कमाल है अब्बा, आप तो जानते हैं कि वो मेरी नंद है। अगर इनके ताल्लुकात खराब होंगे तो मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? बजाय इसको कुछ कहने के आप मुझे बातें सुना रहे हैं। देखो शायस्ता, ये रिश्ता तुम्हारी खुशी के लिए किया जा रहा था, बावजूद इसके कि मैं रिश्ते की नजाकत को समझता था, मगर ये तुम्हारी जिद थी कि तुम्हारी नंद बिलाल की दुल्हन बने। हाँ तो कौन सा गलत कर दिया है? आपको पता है उस रोज से मेरे ससुराल में मेरी कितनी इज्जत बढ़ गई है। अच्छा खैर ठीक है, तुम अपनी नंद को समझाओ कि इसे बार बार टेलीफोन ना करे और ये पढ़ाई में मसरूफ है। ठीक है, मैं समझा दूंगी, लेकिन आप भी इसे समझाएं, इसके लिए बेहतर भी यही होगा। अपने माजी से निकले और अपने आज पर तवज्जो दे। उस नवाबजादी के इश्क में खामखा बावला होने की इसे कोई जरूरत नहीं है। समझाएं अपने लड़के को। दुर्योधन, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
नवाब साहब ने तुम्हें पढ़ाई जारी रखने की इजाजत दे दी, और ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे आदिल ने बताया, मैं तो सुनते ही दौड़ी चली आई। तुम दिल लगा कर पढ़ना। कभी हम पढ़ना चाहते थे, मगर अब तो ये सब बेकार लगता है। ऐसी बातें मत करो, अल्लाह ताला से उम्मीद रखो, सब अच्छा हो जाएगा। और तुम्हें पता है, मास्टर साहब एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं, वो इतना दिल लगा कर पढ़ाएंगे तुम्हें, और मुझे पूरा यकीन है तुम इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगी। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम। सुमैया बीबी, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हो गया ना। कब हो रही है शादी उसकी? शादी? किसकी शादी? अरे सुमैया की बहन की शादी, क्या बताया नहीं इसने आपको? लो भाई, ये अच्छी रही। अरे किस किस्म की सहेलियां हो, क्या इन्होंने बताया नहीं आपको बीबी कि इनकी बहन का रिश्ता तय हो गया है? दिन में 3 से 4 चक्कर लगते हैं, और इन्होंने खबर तक ना दी आपको। कैसी सहेलियां हैं आजकल की, तौबा है भाई। वो मदिया का रिश्ता तय हो गया। मदिया का रिश्ता पक्का हो गया, और तुमने हमें बताया तक नहीं? वो तुम खुद इतनी परेशान रही तो क्या हुआ, बता तो सकती थी ना। चलो चलो चले। कहाँ? तुम्हारे घर और कहाँ, दादा बा घर नहीं है। मैं चादर लेकर आती हूँ, हम बस अभी जाएंगे और अभी आ जाएंगे, ठीक है? चादर लेकर आ रहे हैं? हाँ हाँ। जी अदन बीबी, जब से मेरे मदिया का रिश्ता तय हुआ, समझे मेरे कंधे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बहुत फिक्र थी मुझे इसकी, इसके लिए जो भी रिश्ता आता था वो सुमैया को पसंद करके चला जाता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे मदिया का नसीब खुल गया। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा है। मेरा मंगेतर बहुत पढ़ा लिखा है, देखना अफसर लगेगा, बड़े ठाट होने हैं मेरे। इंशाल्लाह। एक बात तो बताएं, आपके यहाँ शादी का रिवाज नहीं है? ना आपकी शादी हुई है, ना आपकी फूफो की। आपको पता है, अम्मा मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे जोड़े लेकर आई है, मैं तो सारा दिन वो ही पहन पहन के देखती रहती हूँ। दुर्योधन एक काम करते हैं, हम छत पे चलते हैं। क्या है छत पर, देख नहीं रही, हम बातें कर रहे हैं। आपको पता है, अकबर के भाई ने मुझे देखता ही पसंद कर लिया था, और अकबर ने तो मेरे लिए मोबाइल ही भेजा है। चलो दुर्योधन उठो, चलो चलते हैं। अरे क्या है, 2 मिनट में बात नहीं करने दे रही, देख रही हो अम्मा? अरे तुम ऐसा करो, चाय बनाओ दुर्योधन के लिए, हम अभी आते हैं, ठीक है? चलो। ये क्या, तुम वापस से बाहर हो जा रही हो? सोच समझ के बात किया करो। क्या है? सही, अब बनवा ले मुझसे चाय, बनाती हूँ बड़े अच्छे से। मैंने आदिल को बता दिया था कि तुम मिलने आ रही हो, जरूर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा वो। आदिल कैसा है? ठीक है, उसे क्या होना है। मधिया की शादी हो रही है, तुम्हारी भी हो जाएगी, आदिल तो बहुत खुश होगा। क्यों भाई, वो क्यों खुश होगा? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अब्बा ने मुझे बताया था कि आपने पढ़ने का फैसला कर लिया है, सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा फैसला किया आपने। ये फैसला दादा अब्बा का, भला हमारे क्या मजा है कि हम अपने लिए खुद से कुछ सोचें। आप तालीम जारी रखें, फिर देखिएगा, एक दिन आप खुद के लिए फैसले करने लगेंगे। तालीम इंसान को खुद एतमादी और हौसला देती है। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ बस। ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है, ये दिया बुझा बुझा सा, क्यों? जल जल कर थक गया है शायद। खुद को संभाले दूरे थे, ये आपका फैसला था, और एक दुरुस्त फैसला करने के बाद उस पर पछताना कहां की अकल मंदी है। इस दुरुस्त फैसले ने हमें किस कर्म में मुब्तला किया है, कोई हमारे दिल से पूछे। अब तो हमारा दिल भी हमसे बागी होने लगा है, दिल कहता है कि हमने बहुत गलत किया है,
हमें बिलाल को मायूस नहीं लुटाना चाहिए था। ये जो दिल होता है ना दुरेदन, ये बहुत ही खुदगर्ज होता है, इसे सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है, और सबसे बढ़ के ये कि इसकी मान के इंसान हमेशा घाटे में ही रहता है। इसकी बात मत सुने, इसकी आवाज पे मत कान करें। नसीब जहे नसीब, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई तुम? भूली नहीं हूँ, सोच समझ कर आई हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं आज आने वाला था तुम्हारी बहन के रिश्ते से जवाब देने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यही कहने आई थी कि तुम घर आ जाना, मैं अम्मी से बात करने वाली हूँ। वाकई? अरे तुमने तो दिल खुश कर दिया कसम से। बैठो, गर्मा गर्म गुलाब जामुन मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी बड़े काम है, बहुत सामान खरीदना है। अरे कोई देर नहीं हो रही, किसी गैर के पास थोड़ी बैठी हो, मेरे पास बैठी हो। अगर देर होगी ना तो मैं खुद छोड़कर आऊंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। गुलाब जामुन मंगवा रहा हूँ गर्मा गर्म, इसके अलावा क्या खाओगी वो बताओ। मैंने कहा ना अभी नहीं। अरे मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, सामान भी तुम्हारे पास ज्यादा है, आओ बैठो। वैसे मैं हर किसी का एहसान लेती नहीं हूँ, लेकिन लेकिन तुम्हारी बात और है। तो मेरी क्या बात है? दोस्त हो ना तुम। चलो, किसी ने तो दोस्त समझा। सुनो आप सुमैया, ये मेरी मंगनी का कार्ड है और तुम्हें आना, अब दोस्त का है तो आना होगा। अब ये मत कहना कि तुम्हारे यहां भी रिश्ते बनाकर भूल जाने की रिवायत है। सुमैया, तुम सुनियारे के पास नहीं गई? तुम ये सामान तो पकड़ो और मैं वहां भी चली जाऊंगी, और भी बड़ी जगहों पे जाना है मुझे। अम्मी को कहो सब्र करें, सब हो जाएगा। अब यहाँ तक आई गए हो तो मेरे हाथ की एक कप चाय पी लो। नहीं नहीं, थैंक यू, मैं चलता हूँ, तुम अंदर जाओ। भाई, बुखार तो कम होने में नहीं आ रहा, आप डॉक्टर को बुला रहे हैं। I think हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम ड्राइवर से वो गाड़ी निकाले। जी, मैं कहती हूँ। बाबा। जी मेरी बाबा की जान, मैं आपके पास हूँ। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे जेब आंटी के पास जाना है। जी बेटा चलेंगे ना, लेकिन अभी हम डॉक्टर अंकल के पास जा रहे हैं, वो आपको अच्छी सी मेडिसिन देंगे, आपका दर्द भाग जाएगा। उसके बाद हम सीधा आंटी के घर चलेंगे, ओके? भाई, गाड़ी रेडी है, चलें डॉक्टर के पास। चलो।
क्या कह रही हो सुमैया? वो कमक मारा इलियास तुम्हारा रिश्ता लेकर मेरे घर आना चाहता है, उसने ऐसे कैसे सोच लिया? अम्मी गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों ना गुस्सा करूं? उसकी बीवी मर चुकी है, मोहल्ले में उसकी कोई इज्जत नहीं, आवारा है वो, और तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूं मैं? मैं तैयार हूं। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बातें कर रही हो आज तुम? अम्मी मैंने आप ही से वादा किया है कि मैं उसका रिश्ता तय करवाऊंगी, मैं और कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ अपना वादा निभा रही। क्या कह रही हो सुमैया? तो आपको क्या लगा था इलियास जैसा घाघ शख्स ऐसे आप ही से अपने भाई का रिश्ता तय कर देगा? सुमैया मेरी बच्ची, देखिए अम्मी आज वो मेरा रिश्ता मांगने आ रहा है, आपने हाँ कहना है, क्योंकि अगर आपने हाँ ना कहा तो आप ही का रिश्ता भी टूट जाएगा और उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। ये तुमने किया सुमैया, मतिया के खातिर तुमने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। आप क्यों रो रही? ये वक्त तो मुझे हिम्मत देने का, मुझे हौसला देने का, मेरी हिम्मत बंधाने के बजाय आप खुद रो रही। ये आपकी चाय मासा। मासा आपसे एक दरखास्त करनी थी। जी बोलिए। हमारी बीबी को खूब जी लगा के पढ़ाइएगा, इन्हें लाइक फाइक बना दे बस। आपकी बीबी बहुत मेहनत और लगन से पढ़ रही हैं और बहुत जहीन भी हैं। सच पूछिए तो मुझे इनसे इतनी मेहनत और लगन की उम्मीद नहीं थी, ये बहुत आगे जाएंगी। आपके मुंह में घी शक्कर। आप चाय तो ले, ठंडी हो रही है, कुछ और खाएं पिएंगे लेके आऊं? अरे नहीं बहुत शुक्रिया। आप पढ़े। नियत मेहनत और लगन इंसान की हर मुश्किल को आसान कर सकती है, सिर्फ ठान लेने की बात है। आप दिल में ये ठान लीजिए कि आपको कुछ बनना है, अपने खानदान का नाम रोशन करना है। मास्टर साहब दादा बा कुछ बनने की इजाजत कहाँ देंगे? मगर मायूसी कुफ्र है बेटा, क्या तुमने कभी ये सोचा था कि तुम्हारे दादा जान मुझसे पढ़ने की इजाजत दे देंगे और आपकी तालीम का सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा जहाँ से टूटा था? बेटा हालात एक जैसे हमेशा नहीं रहते, वक्त तो सूरज और चांद जैसी अटल चीजों पर भी अपना असर रखता है, और जो आज है वो जरूरी नहीं है कि कल भी ऐसा ही हो। उम्मीद जिंदगी है, उम्मीद के दिए को हमेशा रोशन रखिएगा, कभी बुझने मत दीजिएगा, और फिर किस्मत से जैसा गुमान रखेंगी किस्मत को वैसा ही पाओगे। ज़ेबी बी दुर्योधन बीबी ना मास्टर साहब के पास बड़े शौक से पढ़ रही हैं, और आप यकीन करें कि मास्टर साहब भी ना उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे, और वो कह रहे हैं कि अगर दुर्योधन बीबी इसी तरह शौक से पढ़ती रही ना तो एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनेंगी। ये बात आप दोबारा नहीं करेंगी। मगर क्यों बीबी? अगर अब्बा मियां को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, हो सकता है कि वो दुर्योधन की पढ़ाई का सिलसिला मुनकते करवा दें। उन्हें दुर्योधन को डिग्री दिलवानी है, बस इससे आगे कुछ भी नहीं। अच्छा जी, जैसे आप कहती हैं ठीक है, वैसे भी नवाब साहब को कोई कह भी क्या सकता है, हम काम देखते हैं जाके। हेलो, क्या ये रफीक साहब का घर है?
बिलाल तो अब जिंदगी से चला गया हमेशा हमेशा के लिए। हम जाएं तो कहां जाएं? मांगे भी तो क्या मांगे? मांगे भी या नहीं? मायूसी कुफ्र है बेटा, क्या तुमने कभी ये सोचा था कि तुम्हारे दादा जान मुझसे पढ़ने की इजाजत दे देंगे और आपकी तालीम का सिलसिला वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा जहां से टूटा था? लेकिन दादा जान ने बिलाल और उसके वालिद के साथ जो किया, इसके बाद भी क्या हमारी और बिलाल की जिंदगी भी जहां से टूटी वहीं से दोबारा जुड़ सकती है? बेटा हालात एक जैसे हमेशा नहीं रहते, वक्त तो सूरज और चांद जैसी अटल चीजों पर भी अपना असर रखता है, और जो आज है वो जरूरी नहीं है कि कल भी ऐसा ही हो। तो ये वक्त हमारी जिंदगी पर ही क्यों आ रुका? क्यों आज तक हमारे हालात नहीं बदल पाए? ये तो हमसे भी ज्यादा बेबस मालूम होता है। उम्मीद जिंदगी है, उम्मीद के दिए को हमेशा रोशन रखिएगा, कभी बुझने मत दीजिएगा, और फिर किस्मत से जैसा गुमान रखेंगी किस्मत को वैसा ही पाएंगी। बाबा, अब तो मेरा बुखार ठीक हो गया ना? बेटा आप मेडिसिन ही नहीं ले रही, नहीं लेंगी तो कैसे ठीक होंगी? और अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगी ना तो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चला जाऊंगा। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। मेरी डॉक्टर अंकल से बात हुई थी, कह रहे थे कि मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबा हम लोग क्या जेब आंटी को भी यहाँ बुला सकते हैं? जब जेम आंटी आएंगी ना तो फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, कब बुलाएंगे? बेटा वो दूर है ना, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हम उनके घर चलेंगे उनसे मिलने। ओके, प्रॉमिस। प्रॉमिस। जेब को मेरी कॉल का इंतजार होगा। क्या मैं फिर से उसकी जिंदगी को मुश्किल में डाल रहा हूँ? बाबा आपको भी जेब आंटी अच्छी लगती है, बताए ना। बेटा आपकी जेब आंटी है ही इतनी अच्छी, वो तो सबको अच्छी लगती है। अब्बा। हाँ बोलो, कुछ कहना है आपसे? बोलो, मैं सुन रहा हूं। अब्बा मैं आपा के कहने पर शादी के लिए राजी तो हो गया, मगर प्लीज उनसे कहें अब मजीद और फरमाइशें मेरे सामने ला के ना रखें। होश के नाखून लो बिलाल, तुम्हारी बातों में आकर मैं पहले ही बहुत इम्तिहानों से गुजर चुका हूं, यहां तक कि अपने मालिक की नजरों से भी गिर चुका हूं। मालिक सिर्फ वो एक साथ है, हम सब उसी के बंदे हैं। इंसानों को खुदा बनाएंगे तो इसी तरह धुतकारे जाएंगे अब्बा।
तुम नहीं समझ सकते, मैंने नमक खाया है उनका। अब्बा मैंने कोई गलती नहीं की है और ना ही मुझे कोई पछतावा है। तो ठीक है, फिलहाल तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता। यही तो मुसीबत है, अपनी सब कह देते, मेरी कोई सुनने को तैयार ही नहीं। ठीक है, मैं रहता ही नहीं हूं यहां पे, चला जाता हूं यहां से। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं अब्बा। तुम्हारी तालीम ने तुम्हें यही सिखाया है कि बाप से बहस करोगे, जग हसाई करवाओगे उसकी? आइंदा तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनूं मैं। तो फिर आपस से कह दे कि मुझ तक उसकी कोई फरमाइशें ना पहुंचाया करें, उसे देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। खाला चलता हुआ कारोबार है, बहुत सारे पढ़े लिखों से अल्लाह का शुक्र है ज्यादा कमाता हूँ। पहली शादी का मसला ये कि छोटी उम्र में शादी हो गई थी, वैसे उम्र इतनी ज्यादा नहीं है मेरी। आपकी बेटी सुमैया मेरे घर में राज करेगी, कसम से राज, यूं समझ लें कि कुटिया से उठकर महल में आ जाएगी। घर तो देखा हुआ है ना मेरा, अच्छी तरह देखा हुआ है, पूरे फर्श पर टाइल लगवाए हुए मैंने, है ना। और ये जो अकबर है छोटा भाई है मेरा, माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कमाई सारी मेरी है। जिस घर में हम लोग रहते हैं ना, वो भी मेरी कमाई से ही चलता है। जानती हूँ, अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। आपकी दुआओं की जरूरत है खाला, और मुझे पता था आप इनकार नहीं करेंगी, इसलिए मैं मिठाई साथ लेकर आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये लो भाई, ये मिठाई है हमारी बात पक्की होने की, ये लो मुंह मीठा कर लो। चाय तो हमेशा बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है जल्दबाजी में ना चीनी डालना भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, बगैर चीनी के ही पी लूंगा। मैं देखती हूँ। अला मुंह मीठा कीजिए ना, ये मैं खिलाऊंगा मैं। ये रख लेना। कौन था बेटा? वो हुजूरी आई। अरे तो अंदर बुला लेती, मेरा तारुफ करवा देती, बता देती ना कि हमारी बात पक्की हो गई है। जी बता दिया। बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आपकी बेटी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी इंशाल्लाह। मन सीप का तू मोती। रिश्ता है प्यार।